दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर ही सौंदर्य चिकित्सा कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आधुनिक विज्ञान की प्रगति में हमने पाया है कम है जबकि खोया अधिक है। सबसे अधिक नुकसान हमारी सेहत को हुआ है। खाना पीना, पहनना, रहने के तौर तरीके से लेकर हमारी नींद तक को इस आधुनिक विज्ञान की प्रगति ने प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और स्वास्थ्य में भी सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सौंदर्य का। हम सौंदर्य के प्रति बहुत जागरूक है। इस बात के प्रमाण की रिपोर्ट अभी सामने आई है कि हम सिर्फ मुंह धोने में ही 1200 करोड़ रुपए के सौंदर्य प्रसाधन खर्च कर देते हैं। इन महंगे रसायन युक्त प्रसाधनों की अपेक्षा यदि हम अपने आसपास व घरेलू चीज़ों को इन सौंदर्य प्रसाधनों की जगह प्रयोग करें तो हमारा स्वास्थ्य ही नहीं अपितु धन भी बचेगा। इसके साथ साथ हमें अपने ऊपर संयम रखकर जीवन जीना होगा। पहला, 5-6 मुनक्का रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोकर सुबह चबा चबा कर खाए, इससे मुहासे दूर होते हैं। दूसरा, हल्दी पाउडर और दूध मलाई मिलाकर फेंट ले और चेहरे पर लगाए। आधे घंटे के बाद नींबू का रस लगाकर चेहरा धो ले, त्वचा का रूखापन निकलेगा, मुहासे भी दूर होंगे। तीसरा, नींद पूरी ले, जहाँ तक हो सके बाजारू खाद्य पदार्थों से दूर रहे, हमेशा पेट साफ रखे, चेहरे की चमक बढ़ेगी। चौथा फायदा, कच्चा दूध 2-3 चम्मच लेकर रुई के फाये से चेहरे पर लगाए वह 15 मिनट बाद धोले, यह क्लिंजर का काम करेगा और इसी चीज़ के बड़े पार्लर्स में हजारों रुपये ले लिए जाते हैं। तो देखिए, आप ये काम घर पर भी कर सकते हैं। इसका 5वां फायदा, खीरे का रस, नींबू का रस, टमाटर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से चेहरे का रंग साफ होकर धमकने लगता है। दोस्तों, आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। एंड कीप सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान।